बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन के फिल्मी करियर की पहली फिल्म फूल और कांटे 1991 में रिलीज हुई एक सुपरहिट फिल्म है जिसे कुकु कोहली ने डायरेक्ट किया था। अजय देवगन के साथ इस फिल्म में अभिनेत्री मधु, अमरीश पुरी और रजा मुराद जैसे कई फिल्मी सितारों ने काम किया था। एलास हम आपको इस फिल्म की 5 ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। एलेक, आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन यह फिल्म मलयालम की एक फिल्म जिसका नाम परंपरा है उसकी रीमेक है। एल, इससे यह पता चलता है कि बॉलीवुड में रीमेक फिल्मों का चलन काफी पुराना है। एल दो, इस फिल्म में अजय देवगन द्वारा किया गया बाइक डांस भी काफी फेमस हुआ था जिसके कारण अजय देवगन को बॉलीवुड का एक्शन किंग भी कहा जाने लगा था। एल, बताया जाता है कि यह स्टंट उन्होंने खुद बिना किसी टेबल की मदद के किया था। एल तीन, इस फिल्म के स्टंट और एक्शन सीन अजय देवगन के पिता वीर देवगन ने कोरियोग्राफ किए थे और ऐसा भी बताया जाता है अपने बेटे को फिल्मों में लाने के पीछे उन्हीं का ही हाथ था। एल चार, इस फिल्म के लिए अजय देवगन को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। एल, उस समय फिल्मी कोरिया की पहली ही फिल्म में फिल्म फेयर अवार्ड हासिल करना साधारण बात नहीं थी। एल पांच, बताया जाता है कि इस फिल्म के बाइक वाले स्टंट को शूट करने में अजय देवगन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और इसे कई बार शूट किया गया।